जिसके हुनर के आगे कोई रहस्य नहीं बच पाया। योगी ने उस अफसर को ज्ञान वापी के सर्वे पर लगाया। ये अफसर जहाँ भी जाता है सारे रहस्य खोज लाता है। आकाश हो या फिर पाताल, इस अफसर की निगाह से कुछ नहीं बच सकता। कर चुका है कई हरे तंगेज काम, कई पुराने मंदिरों के रहस्य से उठा चुका है पर्दा। इसने समुद्र के अंदर का खोला था बड़ा राज। अब ये अफसर बोलेगा, ज्ञान वापी के सारे राज खोलेगा। जी हाँ, इस वक्त देश का हर इंसान ये जानना चाहता है कि ज्ञान वापी का असली सच क्या है, क्या है उस शिवलिंग की सच्चाई। इस सवाल को लेकर हिंदू और मुसलमान पक्ष आपस में भिड़ रहे हैं, लेकिन अब इस लड़ाई का हल योगी ने निकाल लिया है। योगी ने इस सच को दुनिया के सामने लाने के लिए एक ऐसे अफसर को जिम्मेदारी दी है जो पाताल से भी सच को बाहर निकालने की ताकत रखता है, जिसके हुनर से कोई रहस्य नहीं बच पाया। अपने अभी तक के करियर में इस अफसर ने कई बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया है। इस अफसर की नजर बात से भी तेज है, तो चलिए आपको उस अफसर के बारे में बताएं। उससे पहले ज्ञानवापी को लेकर आई ये बड़ी खबर जान लीजिए। ज्ञानवापी परिसर में शनिवार सुबह 8 बजे सर्वे शुरू हुआ। 43 लोगों की टीम जब ज्ञानवापी पहुंची तो कड़ी सुरक्षा नजर आई। एसआई की टीम ने मुख्य परिसर में गुंबद, व्यास जी के तहखाने के साथ साथ अन्य हिस्सों में जाकर भी जाँच की। हिंदू पक्ष का कहना है कि तहखाने में मूर्तियों और मंदिरों के टूटे हुए खंभों के अवशेष मिले हैं। अभी एसआई को ऐसे कई प्रमाण मिलेंगे जिनके आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञानवापी का धार्मिक स्वरूप बदला गया था। आपको बता दें कि अभी भी सर्वे जारी है, लेकिन जिस अफसर को इस सर्वे की जिम्मेदारी दी गई है उसकी इस वक्त चर्चा हो रही है। कहा जा रहा है कि अब ज्ञानवापी का पूरा सच दुनिया के सामने आ जाएगा, क्योंकि अफसर जहां भी जाता है दूध का दूध पानी का पानी कर देता है। इस अफसर से कोई रहस्य नहीं छुप पाया। इस अफसर का नाम है डॉक्टर आलोक त्रिपाठी। ये वो शख्स है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पाताल से भी सच को बाहर लाने का हुनर रखता है। इस इंसान से सच नहीं बच सकता। ज्ञानवापी सर्वे की टीम का नेतृत्व कर रहे आलोक त्रिपाठी को अंडर वोटर आर्कियोलॉजिकल मामलों का महारत हासिल है। आलोक त्रिपाठी लक्षद्वीप के बांगरम आइलैंड के समुद्र में प्रिंसेस रॉयल जहाज के अवशेष ढूंढने में कामयाबी हासिल कर चुके हैं। डॉक्टर त्रिपाठी इस समय एएसआई के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के पद पर काम कर रहे हैं। डॉक्टर आलोक ने प्राचीन गुफाओं के रास्ते होने वाले व्यवसाय के बारे में भी खासा रिसर्च किया हुआ है। वे इतिहास के जाने माने प्रोफेसर के रूप में पहचाने जाते हैं। आलोक त्रिपाठी तमिलनाडु के मल्लापुरम और आर्य कमाडू, गुजरात के द्वारका, महाराष्ट्र के एलिफेंटा के साथ साथ कई और जगहों पर भी शोध कर चुके हैं। माना जा रहा है कि आलोक त्रिपाठी की काबिलियत को देखते हुए उन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई, ताकि बाद में ज्ञानवापी पर कोई सवाल ना खड़ा रह जाए। आपको बता दें कि डॉक्टर आलोक त्रिपाठी को बचपन से ही आर्कियोलॉजिकल बनने का शौक था। आलोक त्रिपाठी ने एक बार बताया था कि मैं उस समय से पुरातत्वविद बनना चाहता था जब चौथी कक्षा में था। एक किस्से का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया था कि तमिलनाडु के मल्लापुरम तट पर सुनामी के बाद प्राचीन मंदिरों के अवशेष उभरे थे। तब डॉक्टर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में एएसआई की टीम ने उसका सर्वे किया था। तो आपका इस अफसर को लेकर क्या कहना है, और क्या आपको लगता है कि ज्ञानवापी एक हिंदू मंदिर था जिसे मस्जिद बना दिया गया? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। लीडिंग भारत टीवी रिपोर्ट।